हम लोग कुछ बेसिक फार्मूले प्रूव कर चुके हैं, पहले वो देख लेते हैं क्या क्या फार्मूले, उसके बाद कुछ आगे भी हम लोग प्रूव करेंगे। साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, कॉस एक्स। यानी कॉस में कॉस जो है पाई बाई फोर की वैल्यू निकाल लें या कॉस माइनस पाई बाई फोर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आती है सेम, कॉस माइनस खा लेता है, ऐसे याद रखें। और कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या होता है माइनस, और यहाँ पे दोनों कॉस के एंगल और दोनों यहाँ पे साइन। तो कॉस को याद रखने का तरीका क्या होगा कि कॉस पे अगर यहाँ पे एक्स प्लस वाई का लिख रहे हैं तो बीच में माइनस होगा, पहले दोनों एंगल कॉस के बाद में दोनों एंगल साइन के, कॉस एक्स माइनस वाई भी हम लोग कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स हम लोगों ने क्या देखा था साइन एक्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई में हमारा जो यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ भी प्लस, बस एक एंगल साइन का अगला कॉस का फिर अगला कॉस का और ये साइन का, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, या इस फार्मूले को भी हम लोग यहीं पे लिखते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये जो है इतने फार्मूले हम लोग देख चुके हैं। अब एक जो है हम लोग सिंपल सा है इसी का जो है आगे है, ये भी हम लोग देख लेते हैं कि कॉस टू पाई माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये हमको जो है चेक करना है। और एक और है साइन टू पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये भी हमको देख लेना है। तो ये लोग जो है यहाँ पे हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं सिंपली। हमारा कॉस टू पाई माइनस एक्स है तो टू पाई को हम लोग लिख देते हैं पाई प्लस पाई माइनस एक्स, ये दो एंगल का सम हो गया हमारा। और कॉस पाई प्लस एक्स हम लोग जानते हैं, कॉस पाई प्लस एक्स हमारा क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो कॉस पाई प्लस एक्स की जगह पे ये है तो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स एक्स की जगह पे, और फिर कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो एक माइनस पहले से है और एक माइनस ये हो जाएगा, तो ये इक्वल टू सीधा सीधा हमारा क्या हो गया कॉस एक्स। यानी कॉस टू पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा हमारा कॉस एक्स। इसको प्रूव करने के लिए क्या किया, टू पाई को हम लोगों ने क्या रख दिया पाई प्लस पाई माइनस एक्स, फिर कॉस पाई प्लस एक्स हम लोगों ने यूज कर लिया कि कॉस पाई प्लस एक्स कोई एंगल हो तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है माइनस कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पे ये माइनस कॉस पाई माइनस एक्स, फिर यूज किया वही फार्मूला कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर साइन टू पाई माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख लेते हैं साइन पाई प्लस पाई माइनस एक्स, और साइन पाई प्लस थीटा हम लोगों का एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो हो गया माइनस साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स हमारा क्या होता है साइन एक्स, तो ये हमारा हो गया माइनस साइन एक्स। ये सेकंड फार्मूला भी हम लोगों का प्रूव हो गया। अब हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं, इसमें इतने फार्मूले तो हम लोगों के पास हो चुके हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो है आपके एनसीईआरटी बुक में जो है 10 नंबर करके दिया है, 10 नंबर है हमारा ये फार्मूला, लिखा है कि यदि एक्स कम वाई और एक्स प्लस वाई में से कोई एक्स कामा वाई, यानी एक्स वाई और एक्स प्लस वाई में से कोई कोई पाई बाई टू का विषम गुणांक नहीं है, पाई बाई टू का विषम गुणांक नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है कि टेन एक्स प्लस वाई का
फार्मूला हमारा है टैन एक्स प्लस वाई बराबर इक्वल टू टैन एक्स प्लस टैन वाई अपॉन वन माइनस टैन एक्स इंटू टैन वाई। ये फार्मूला हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। ये हमारा कंडीशन दिया है कि एक्स वाई और एक्स प्लस वाई में से पाई बाई टू का विषम गुणांक नहीं होगा। इसका मतलब अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक्स जब कोण हमारा पाई बाई टू का विषम गुणांक यानी पाई बाई टू इंटू टू एन प्लस वन होता है, जब एक्स इक्वल टू यानी एंगल हमारा जब पाई बाई टू का विषम गुणांक होता है, तो कॉस एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, जीरो। यानी जब एक्स बराबर, जब हमारा एक्स बराबर ये होता है, क्या ये है पाई बाई टू का विषम गुणांक, तब हमारा कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यानी ये हमारा कोई एंगल पाई बाई टू का विषम गुणांक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉस एक्स या कॉस वाई या कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो एक लाइन हम लोग पहले इसमें लिख दे रहे हैं, यदि एक्स वाई तथा एक्स प्लस वाई में से कोई पाई बाई टू का विषम गुणांक नहीं है, विषम गुणांक होगा तो वैल्यू क्या होगी उन सबकी, जीरो हो जाएगी। अगर विषम गुणांक नहीं है तो हम लोग कहेंगे इसलिए इसलिए कॉस एक्स कॉस वाई तथा कॉस एक्स प्लस वाई शून्य नहीं है, यानी इन सब की वैल्यू जो है जीरो नहीं होगी। अभी हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू जीरो नहीं क्यों होनी चाहिए। अब हम लोग टेन थीटा बराबर क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सिंपली टेन। तो टेन ऑफ एक्स प्लस वाई यानी यहाँ पे एक्स की जगह, एंगल की जगह हमारा क्या, एक्स प्लस वाई, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस वाई, सिंपल। टेन थीटा बराबर, ये आप लोग हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमको साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला पता है, साइन एक्स प्लस वाई हमारा क्या होता है, साइन में क्या होता है, अगर यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस रहेगा, और एक साइन का और एक कॉस का, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। और कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला हम लोगों का क्या होता है, कॉस में दोनों कॉस कॉस रहेंगे, कॉस और चिन्ह बदल जाएगा साइन एक्स साइन वाई। तो ये हमारा टेन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम लोग ये रख देते हैं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये दो फार्मूलों का हम लोगों ने यूज किया, बस खत्म। एक स्टेप और है, टेन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे दोनों, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से। तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई, अंश जो है अंश को डिवाइड कर दिया, हर को भी डिवाइड करेंगे, कॉस एक्स कॉस वाई से कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई दिस इक्वल टू। अब कॉस एक्स कॉस वाई को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो यहां से कॉस वाई खत्म हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस
कॉस वाई अपॉन कॉस वाई अपॉन कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। अब यहाँ से हमारा कॉस वाई खत्म हो गया, यहाँ से कॉस एक्स ये वन हो गया, और यहाँ क्या खत्म हो गया हमारा साइन एक्स, ये यहाँ कुछ भी नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया टेन एक्स, ये साइन वाई अपॉन कॉस वाई हमारा क्या हो गया टेन वाई, तो ऊपर हमारा क्या हो गया टेन एक्स प्लस वाई, तो टेन ऑफ एक्स प्लस वाई हमारा ऊपर बन गया टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन ये पूरा खत्म होके वन हो गया, वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स और साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो ये सिंपली जो है हम लोगों ने ये फार्मूला प्रूव कर लिया। अभी हम लोगों ने इसलिए लिखा है हम लोगों का कि एक्स वाई और एक्स प्लस वाई किसी की वैल्यू पाई बाई टू का जो है विषम गुणज नहीं हो सकता, यानी कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स प्लस वाई में तीनों में से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर कॉस एक्स प्लस वाई जीरो हो गया तो ये पूरा हमारा फार्मूला फेल हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम लोग उसके लिए लिखते हैं जहाँ थीटा की वैल्यू जो है टू एन प्लस वन पाई बाई टू ना हो। ये हम लोग कब यूज करते हैं जब थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो टू एन प्लस वन पाई बाई टू ना हो, तभी ये परिभाषित होता है। और यहाँ अगर हम लोग कॉस एक्स कॉस वाई जीरो होगा तो ये जो डिवाइड करे हैं ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा ये कंडीशन लगाया जाता है। तो एक फार्मूला हमको मिल गया टेन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, और एक्स वाई और एक्स प्लस वाई में कोई पाई बाई टू का जो है विषम गुणज नहीं है, ये हो गया। अब हम लोग टेन एक्स माइनस वाई का फार्मूला इसी से निकाल लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि टेन टेन एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं y के प्लेस पे जो है इसमें क्या रख देते हैं माइनस y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टेन x माइनस y बराबर टेन x प्लस टेन माइनस y अपॉन वन माइनस टेन x इंटू टेन माइनस y, तो हमारा ये टेन x माइनस y बराबर, अब टेन माइनस वाई हमारा क्या होता है हम लोग सिंपली चलिए अगर नहीं आ रहे तो साइन माइनस एक्स हमारा क्या होता है माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस एक्स हमारा सिंपली होता है कॉस एक्स, तो डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा टेन माइनस एक्स, और ये माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हमारा क्या हो जाएगा माइनस टेन एक्स, तो यानी टेन माइनस एक्स हमारा क्या होता है माइनस टेन एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा दिस इक्वल टू टेन एक्स, और टेन माइनस वाई बराबर माइनस टेन वाई, तो टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन एक माइनस इसका इधर आएगा तो वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, तो ये सेकंड फार्मूला हम लोगों का हो गया टेन एक्स माइनस वाई का। तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में क्या अंतर है हमारा, ऊपर का चिन्ह जो है एक्स प्लस वाई में प्लस होता है नीचे का निगेटिव, और इसमें एक्स माइनस वाई में ऊपर का नेगेटिव नीचे का पॉजिटिव हो जाता है। ये हो गया हमारा टेन एक्स माइनस वाई और टेन एक्स प्लस वाई का फार्मूला। अब हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं, इलेवन नंबर हमारा जो है इलेवन, तो इलेवन नंबर हमारा ये था टेन एक्स माइनस वाई, अब हमारा है ट्वेल्व नंबर। ट्वेल्व नंबर हमारा क्या है कॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ये कब है यदि
यदि एक्स कामा वाई तथा एक्स प्लस वाई में कोई भी कोण, कोई भी कोण पाई का गुणांक नहीं है। पाई का गुणांक नहीं है। अब हम लोग इसको जो है सिंपली प्रूव कर लेते हैं। हम लोग जो कॉट एक्स प्लस वाई है, कॉट थीटा हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई, और कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला हमारा क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये दोनों फार्मूला यहाँ पे हम लोग यूज कर देते हैं। तो कॉस एक्स प्लस वाई हमारा हो गया कॉस एक्स प्लस वाई की जगह पे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब हमको क्या करना है, कॉट के टर्म में बनाना है, तो कॉट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन एक्स साइन वाई से दोनों दो वो हर और अंश में भाग दे देंगे। तो ये हमारा कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई दिस इक्वल टू। अब साइन एक्स साइन वाई से हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई। ये कॉस अपॉन साइन एक्स हमारा क्या हो गया, कॉट एक्स, और कॉस वाई अपॉन साइन वाई कॉट वाई, तो ये हमारा हो गया कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, और ये हमारा खत्म होके वन हो गया। और ये साइन एक्स यहाँ से खत्म हो गया, ये हमारा कॉट वाई बचा, और यहाँ से साइन वाई खत्म, ये कॉट एक्स। तो हमारा सिंपल सा जो फार्मूला हम लोगों ने देखा कि कॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारा हो गया, ये क्या हो गया, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन अपॉन, ये हमारा क्या हो गया, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। अब हम लोगों ने क्या ये क्यों लिखा कि एक्स वाई तथा एक्स प्लस वाई में कोई भी कोण पाई का गुणज नहीं हो सकता, पाई का गुणांक पे साइन एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये हमारा जो डिवीजन है, ये फार्मूला तभी परिभाषित होता है जब एक्स प्लस वाई जो है पाई का गुणज ना हो। क्योंकि हम लोग जब ये लिखते हैं कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि जो थीटा होना चाहिए, थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई, यानी पाई का गुणज नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो हो जाएगा नीचे वाला टर्म, और किसी भी संख्या में जीरो से भाग अपरिभाषित होता है। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया, कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई हमारा हो गया। अब हम लोग कॉट एक्स माइनस वाई देख लेते हैं। तो कॉट एक्स प्लस वाई हम लोगों ने देखा क्या होता है, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। अब हमको क्या चाहिए, कॉट एक्स माइनस वाई का फार्मूला चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाई के स्थान पे
y की प्लेस में माइनस y पुट कर देंगे, तो सिंपली हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड cot x माइनस y इक्वल टू cot x इंटू cot माइनस y और माइनस वन अपॉन cot माइनस y प्लस cot x। अच्छा माइनस को हम लोग डील कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं cos माइनस x बराबर हमारा क्या होता है cos x, और sin माइनस x बराबर होता है हमारा माइनस sin x, तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा cot माइनस x लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा माइनस cot x, तो cot माइनस x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे माइनस cot x। तो ये हम लोगों का हो गया cot ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू ये cot x और ये माइनस हो जाएगा cot y, cot x ये माइनस cot x इंटू cot y और माइनस वन अपॉन ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस cot y प्लस cot x। अब ऊपर नीचे हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन कर लेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा cot x cot y प्लस वन अपॉन नीचे भी माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cot y माइनस cot x, और ऊपर नीचे दोनों का माइनस क्या हो गया हमारा खत्म हो गया, तो cot x माइनस y बराबर हमारा हो गया cot x cot y प्लस वन अपॉन cot y माइनस cot x। तो हम लोगों ने क्या देखा, चार फार्मूला देखा, tan x प्लस y का, tan x माइनस y का, cot x प्लस y और cot x माइनस y का। tan x प्लस y हमारा क्या होता है tan x प्लस y, tan x प्लस tan y अपॉन वन माइनस tan x tan y, और tan x माइनस y हमारा क्या होता है tan x माइनस tan y अपॉन वन प्लस tan x tan y। cot x plus y क्या होता है cot x cot y minus 1 upon cot y plus cot x, और cot x plus y हमारा सॉरी ये cot x plus y हमारा ये हो गया, और cot x minus y हम लोगों ये निकाला, तो चारों फार्मूला हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। तो tan tan x plus y ये हमारा 10 नंबर फार्मूला था, 10 नंबर हमारा था tan x plus y equal to tan x plus tan y, tan x plus y बराबर tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y, और इसमें x y और x plus y हमारा जो है पाई बाई टू का विषम गुणज नहीं है, तभी ये फार्मूला हमारा क्या होगा परिभाषित होगा। तो tan x प्लस वाई हो गया, 11 नंबर हमारा क्या था tan x माइनस वाई, तो ये इसी फार्मूले से निकलता है, तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाता है निगेटिव tan x माइनस tan y अपॉन वन प्लस tan x tan y। 11, 12 नंबर हमारा हम लोगों ने क्या निकाला cot x plus y, ये हमारा क्या होता है cot x cot y minus 1 upon cot y plus cot x। 13 नंबर हम लोगों ने क्या देखा cot x minus y, और ये हमारा क्या होता है cot x cot y प्लस वन अपॉन cot y माइनस cot x। तो प्लस माइनस वाले में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो गया। तो 10, 11, 12, 13 ये चार फार्मूला हम लोगों ने देखा, और यहाँ पे हमारा ये इन दोनों के लिए जो है क्या होने चाहिए x y में ये कंडीशन, और इन दोनों के लिए क्या होना चाहिए x y x प्लस y पाई का गुणज नहीं है, क्योंकि जब पाई का गुणज हो जाएगा तो ये हमारा फार्मूला क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है।
ये हमारा टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। एक्स माइनस वाई में क्या होगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, कॉट एक्स प्लस कॉट वाई में ऐसे फार्मूला चेंज होता है।